जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बैंक निफ्टी जो है उसने पिछले हफ्ते हमने देखा कि तकरीबन 2660 पॉइंट्स की चढ़ाव देखी, और इन 2660 पॉइंट में हमने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफ़ी तेज़ी पकड़ते हुए इन लेवल्स पे आके खड़ी हुई है। अब आने वाले हफ्ते में अगर US मार्केट और बाहर के सभी मार्केट और हमारे देश के बैंक्स अगर सही तरीके से चलते हैं और हम जो इस COVID-19 की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ग्लोबली, अगर उन सारे पैरामीटर्स पर अगर ठीक तरीके से चलते रहे, तो आने वाले समय में जो ये पूरा हफ्ता है 5 ट्रेडिंग सेशन का, उसमें आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से 20,300 और 20,400 के ऐसे लेवल्स हैं जो कि हर्डल की तरह है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए अगर इन लेवल्स को क्रॉस कर लेती है और एक क्लोजिंग हमें मिल जाती है इन लेवल्स के ऊपर, तो आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में 21,400 और 22,000 तक के लेवल्स तब भी जा सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ इसके मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके अलावा अगर ये हम लोअर साइड पे देखें तो बैंक निफ्टी के जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 19,500 के लेवल्स पे, और ये 19,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह चलेगा, और अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग की जो कैलकुलेशन है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट में हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से 19,075, 18,630 और 18,125 के लेवल्स तक जा सकती है। तो इस समय पे बैंक निफ्टी में भी हम बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही ऑफ करना चाहेंगे, जिसमें कि 19,075 और 18,630 के लेवल पे एडवाइजेबल रहेगा आपको खरीदना। और अगर आप खरीदते हैं और लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं आप 5 से 7 दिनों के लिए, तो 18,125 इसका एक मेजर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके नज़दीक आता है तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उस लॉन्ग पोजीशन को उस टाइम पे ख़त्म करें, रिजॉल्व करें, और हम एक फ्रेश टारगेट के हुए नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। थैंक यू।